देखो, सो इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है कि एक कैंडल है जिसका डायमीटर स्मॉल डी गिवन है, फ्लोट कर रही है इन अ सिलेंड्रिकल कंटेनर। ठीक है, कैंडल है, फ्लोट कर रही है, सिलेंड्रिकल कंटेनर है। एल और एल लेंथ मुझे दिखाई दे रही है डायग्राम में और डी इज द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। तो इफ दी और डायमीटर कैपिटल टी बहुत बड़ा है, मतलब कंटेनर बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू स्मॉल टी। स्मॉल टी का मतलब डायमीटर ऑफ द कैंडल, सिलेंड्रिकल कैंडल है। इफ़ इट इज बर्निंग एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर आवर, 1 घंटे में 2 सेंटीमीटर कैंडल बर्न हो जाती है, सो देन बॉटम ऑफ द कैंडल विल बी वॉट? तो रिमेन एट सेम हाइट, फॉल एट द रेट ऑफ, मतलब बॉटम का क्या हो रहा है? बॉटम ऊपर आ रहा है, बॉटम नीचे जा रहा है, बॉटम वहीं खड़ा हुआ है, कुछ ऐसा आपको बताना है। और अगर ऊपर आ रहा है तो किस रेट से ऊपर आ रहा है, तो इस तरीके से आपको करना है। और इसके अंदर जो बेसिक डायग्राम है वो क्या बनेगा कि वाटर का लेवल है, वाटर सरफेस है। एल नॉट ओरिजिनल लेंथ ऑफ दी, फर्स्ट डायग्राम में अगर देखें तो एल नॉट ओरिजिनल लेंथ ऑफ दी कैंडल है और आर्किमिडीज के अकॉर्डिंगली वो फ्लोट कर रही है। तो फ्लोटिंग प्रिंसिपल ये बोलता है कि वेट ऑफ कैंडल इज इक्वल टू होल वेट ऑफ दी वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज इक्वल टू होल वेट ऑफ दी बॉडी। तो अब इसके अंदर डेंसिटी की अगर बात करते हैं तो इस पे क्या लगेगा? अपथ्रस्ट, क्योंकि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस अपथ्रस्ट ही होता है। तो अपथ्रस्ट कहाँ लगेगा? ऊपर। और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कहाँ होगा? नीचे। तो पहले क्या हो रहा था, जब कैंडल बर्न अभी शुरू हुई ही थी, अभी पिघली नहीं है, तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड अपथ्रस्ट किसके इक्वल है? वॉल्यूम, ए इन टू एल वॉल्यूम इन टू डेंसिटी ऑफ अपथ्रस्ट में वाटर इन टू जी, और इज इक्वल टू वॉट? रो इन टू ए इन टू एल नॉट इन टू जी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअल प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट है। क्योंकि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जैसे जैसे वो पिघल रही है वैसे वैसे वो छोटी हो रही है। और मान लो 1 मिनट के लिए एल नॉट लेंथ थी बिफोर बर्निंग, और एक्स का मतलब कैंडल बर्न हो चुकी है, एक्स का मतलब कैंडल इतनी बर्न हो चुकी है, तो वाई का मतलब लेंथ बाय विच इट हैज गॉन अप। तो इसमें ये डिस्टेंस हमने क्या ले लिया कि वाई कितना ऊपर हुआ, तो ये इसका मतलब बर्न हो चुकी, तो बची कितनी, नई लेंथ कितनी आएगी? एल नॉट माइनस एक्स आएगी इसमें। और क्योंकि वाई पोर्शन बर्न हो चुका है तो अब जो पोर्शन एल दिखाई दे रहा था पहले, अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा इसमें? क्योंकि इसमें एल क्यों लिया, समझ में आ रहा है? क्योंकि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है, तो वेट ऑफ लिक्विड में वॉल्यूम सिर्फ इतने पोर्शन का ही आएगा। तो अब ये वाई बर्न हो चुका है तो अब कितना इसका पोर्शन नीचे दिखाई दे रहा है? एल माइनस वाई। तो अपथ्रस्ट में चेंज आ जाएगा, अपथ्रस्ट में एल की जगह एल माइनस वाई आ जाएगा। और इसके अंदर जो एक्चुअल कैंडल की लेंथ थी एल नॉट थी और एक्स बर्न हो चुकी है, तो लेंथ ऑफ द कैंडल एल नॉट माइनस एक्स आ गया, तो वेट भी कम हो चुका है, वेट इसके इक्वल हो चुका है। तो फ्लोटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? फ्लोटिंग प्रिंसिपल 2 बार लगेगा, पहली बार फर्स्ट केस में, दूसरी बार दूसरी केस में। इक्वेट कर दिया, इक्वेट करके डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके आपको एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई पता लग जाएगी। अब वाई का मतलब और एक्स का मतलब है क्या? आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था? चेक करना, रेट ऑफ, रेट चेक करो, क्वेश्चन पढ़ो। बॉटम का 2 सेंटीमीटर, 2 कितना वो टॉप का है, तो अगर टॉप का कितना गिवन है इसमें चेक करो। तो इस केस में इट इज बर्निंग एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर आवर, तो 2 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से बर्न हो रहा है। और आपको क्या निकालना है इसमें? आपको इसमें वाई निकालना है। उल्टा आंसर नहीं है, बर्न का मतलब तो एक्स हुआ ना, कैंडल बर्न इसमें एक्स किया मैंने, एक्स का मतलब कैंडल बर्न है, राइट? तो कैंडल बर्न का मतलब एक्स गिवन है 2 सेंटीमीटर पर आवर, और वाई का मतलब है कि कितना पोर्शन बॉटम से ऊपर जा रहा है, और बॉटम से कितना ऊपर जा रहा है? वाई, क्योंकि वाई का मतलब लेंथ ऑफ बाय विच इट हैज गॉन अप। तो मैंने आंसर शायद उल्टा लिख दिया इसमें, मुझे लिखना चाहिए वाई इज इक्वल टू 2x, मुझे वाई निकालना है ना, मुझे वाई का रेट निकालना है, मुझे एक्स का रेट नहीं निकालना। तो मेरे हिसाब से आंसर 2 × 2 = 4 आना चाहिए, 4 का ऑप्शन है, एक बार चेक करो, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें, क्योंकि एक्स का मतलब कैंडल बर्न लिया मैंने, इट हैज गॉन अप आफ्टर बर्निंग, और मुझे निकालना भी यही है कि कितने रेट से वो ऊपर जा रहा है। एक बार चेक करो जरा क्वेश्चन फिर से,
एक बार इस इक्वेशन को खुद से सॉल्व करना प्लीज, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई का रिलेशन निकाल के देखो एक बार। मतलब L नॉट की जगह 2L, L नॉट की जगह 2L, तो ये फिर 2y आना चाहिए था। हाँ करेक्शन कर लो, L नॉट की जगह 2L, L और L कैंसिल, फिर ये 2y करना प्लीज़ करेक्शन, 2y के हिसाब से फिर आंसर कितना आएगा, फिर 1 आएगा, y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 हो जाएगा ना, फिर 1 आएगा, सही है, ठीक है ना, करेक्शन कर लेना यहाँ पे, ठीक है ना। सो नेक्स्ट शीट नंबर कौन सी थी, 123 ना, अगली शीट दिखाना कौन सी है, हाँ यही वाली है ना, इसका फर्स्ट क्वेश्चन रीड करिए प्लीज, शीट नंबर 124, मैं एक मिनट पेन ड्राइव में लेके आया, एक सेकंड देना, 124
जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, शीट नंबर A124, A124, और इसमें पहला क्वेश्चन, फिगर शोज थ्री आर्म ट्यूब्स, तीन आर्म ट्यूब्स हैं, इन विच लिक्विड इज फिल्ड अप टू लेवल ऑफ हाइट L. तो L, L और L, एंड इट इज नाउ रोटेटेड एट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ओमेगा. तो ओमेगा के साथ हमने क्या कर दिया, इसे रोटेट कर दिया. अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू आर्म P, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एट विच लेवल ऑफ लिक्विड इन आर्म B बिकम जीरो इज इक्वल टू व्हाट. इतनी तेज घुमाओ कि B लेवल नीचे गिर जाए और लिक्विड A और C में ऊपर चढ़ जाए. ये क्वेश्चन है, ठीक. तो कैसे इसमें करना है, समझ में आ रहा है कि इसमें जब ये घूमेगा, लिक्विड का लेवल जब B में जीरो हो जाएगा, जैसे इसमें दिखाया जीरो हो गया, तो डायग्राम ऐसा दिखेगा. तो L लेंथ का पानी था यहां पर, L बाई टू इधर गया, L बाई टू इधर गया, बाई सिमेट्री बराबर है. तो L प्लस L बाई टू, थ्री L बाई टू, थ्री L बाई टू, समझ में आ गया. तो ये कोई पॉइंट है जहां पर अब एटमोस्फेरिक प्रेशर रह गया सिर्फ, ये A पॉइंट है जहां पर इसके ऊपर लिक्विड 3L बाई 2 का लिक्विड है. तो A पॉइंट का प्रेशर यहां से क्या बनेगा, P नॉट तो बनेगा ही बनेगा, ठीक, P नॉट तो बनेगा बनेगा, साथ में क्या होगा वर्टिकल के केस में, H रो जी लिक्विड की वजह से, H की जगह 3L बाई 2 इंटू रो इंटू जी. अब प्रेशर निकालने का एक तरीका हॉरिजॉन्टल से भी है, क्योंकि ट्यूब हॉरिजॉन्टल में पानी को भी इस तरीके से लेफ्ट और राइट लेके जा रही है. तो हॉरिजॉन्टल में इट इज रोटेटिंग, रोटेटिंग. अब रोटेशन के केस में क्या होगा, यहां पर एटमोस्फेरिक तो हर हालत में होगा ही होगा, प्लस यहां पर ये एक एलिमेंट लिया हमने, क्योंकि हर एलिमेंट में प्रेशर चेंज हो रहा है, इस एलिमेंट की लेंथ dx ली और ये x डिस्टेंस पे लिया. तो यहां पर अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर क्या होगा, h रो g की तरह, h की जगह dx, रो g नहीं, अब हॉरिजॉन्टल में कौन सी एक्सेलरेशन होती है, x टाइम्स ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये एलिमेंट कितने रेडियस में घूम रहे है, x. तो r ओमेगा स्क्वायर की जगह x ओमेगा स्क्वायर एक्सेलरेशन है, तो g नहीं लगेगा इसमें, ये वैल्यू आ गई और यहां पर स्मॉल एलिमेंट के ऊपर आई. हमें टोटल प्रेशर कहां से कहां लेके जाना है, यहां से यहां तक. इसे अगर ओरिजिन मान लिया जाए तो l दूरी पे अगर a पॉइंट है तो यहां का प्रेशर क्या होगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर तो होगा ही होगा साथ में, जीरो से l तक. तो ये टर्म आ गई. तो एक बार हॉरिजॉन्टल से, एक बार वर्टिकल से, बात तो बराबर ही है, इक्वेट कर लो. इक्वेट किया एटमोस्फेरिक से, एटमोस्फेरिक क्या हो गया, कैंसल आंसर. इस टाइप की प्रॉब्लम हॉरिजॉन्टल ट्यूब की हमने क्लास में की थी, उस टाइम वो ट्रिक देके छोड़ दिया था कि हॉरिजॉन्टल ट्यूब की प्रॉब्लम को कैसे करना है, बाय इंटीग्रेशन. पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे इसको अप्लाई कैसे करना है फाइनली क्वेश्चंस में. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. तो इसमें समझ में आया क्या किया, लिक्विड गया और लिक्विड घूम के वापस आया. हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ यू एज शोन इन द फिगर. इफ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एंटर्स एंड लीव्स द ट्यूब विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, तो आपको बताना है देन द एक्सटर्नल फोर्स एफ रिक्वायर्ड टू होल्ड द ट्यूब इज इक्वल टू व्हाट. तो ट्यूब में जब पानी घूम के वापस जाएगा तो देयर विल बी चेंज ऑफ मोमेंटम. तो इस केस में मास ऑफ एंटरिंग, मास कितना एंटर कर रहा है एक सेकंड में, इज एरिया इनटू वेलोसिटी, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड इनटू डेंसिटी इज
मास फ्लोइंग पर सेकेंड, और बाहर भी एग्जैक्टली कितना आ रहा है, सेम टू सेम आ रहा है। तो अगर ये आपके पास मास फ्लोइंग पर सेकेंड है, इसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें अगर, तो मास फ्लोइंग पर सेकेंड इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम फ्लोइंग पर सेकेंड। तो इस वजह से मोमेंटम कितना जनरेट हो जाता है, इतना, और इतना ही मोमेंटम जनरेट होता है जब वो पानी बाहर निकलेगा। तो एक बार मोमेंटम की डायरेक्शन राइट है तो दूसरी बार मोमेंटम की डायरेक्शन लेफ्ट है। तो चेंज इन मोमेंटम ऐसे केस में आपको याद होगा वो वी, और वी बॉल आ रही है जा रही है, तो वी माइनस माइनस वी इज टू वी, तो आपको याद होगा टू वी, या फिर चेंज इन मोमेंटम ट्वाइस हो जाता है। तो दिस इज टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, हर चीज पर सेकेंड चल रही है। तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड का मतलब क्या होता है, फोर्स, फोर्स की ऑप्शन मार्क की जा सकती है। इस क्वेश्चन को देखें, बने सो बबल हैज अ रेडियस ऑफ कैपिटल आर, एक बबल है, ये बबल के सर्कमफ्रेंस में लिक्विड है, एंड स्मॉल डी मीन्स इसकी थिकनेस है जो कि कैपिटल आर से बहुत ज्यादा छोटी है। इट कोलैप्सिस इनटू अ स्फेरिकल ड्रॉप, ये फट गया और इसका एक ड्रॉप बन गया, पूरे का पूरा जो लिक्विड यहां दिखाई दे रहा है वो ड्रॉप में चला गया। रेशियो ऑफ एक्सेस प्रेशर इन द ड्रॉप टू द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ बबल निकालना है। अब ड्रॉप का जो एक्सेस प्रेशर है वो 2t बाई आर है, 2s बाई आर, 2t बाई आर की बात है, और बबल का 4t बाई आर या 4s बाई आर की बात है। प्रॉब्लम ये, अच्छा s है प्लीज, s फॉर सरफेस टेंशन, ठीक। तो इसमें जो बबल है और जो ड्रॉप है इनके रेडियस में फर्क है। तो इस केस में जो ड्रॉप है उसका रेडियस मान लो छोटा r है, और जो बबल है उसका रेडियस मान लो कैपिटल आर है। तो जब तक ये रेशियो निकलेगी नहीं स्मॉल आर और कैपिटल आर की, लिक्विड तो वही है, सरफेस टेंशन की वैल्यू विल रिमेन सेम, तब तक आंसर नहीं आएगा। अब एक काम करना पड़ेगा, मान लो छोटा आर रेडियस की ड्रॉप है, वॉल्यूम जितना सोप बबल के अंदर है वो सारे का सारा वॉल्यूम किस में चला जाएगा, ड्रॉप में चला जाएगा, चला गया। तो कितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम निकालने के दो तरीके हैं इसमें। पहला तरीका आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, आउटर वॉल्यूम 4 बाई 3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 4 बाई 3 पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल डी का होल क्यूब, तो माइनस करना पड़ेगा। जब आप इसे एक्सपैंड करेंगे उसमें बोल दिया कि स्मॉल डी बहुत छोटा है तो कुछ टर्म्स बीच में निगलेक्ट होंगी। अल्टीमेटली मैंने आपको एक रोटेशनल मोशन के अंदर भी और कई चैप्टर में बताया कि ऐसे केस में अगर आपको वॉल्यूम निकालना हो आप एरिया इनटू थिकनेस कर दो,
एरिया सरकमफ्रेंस इनटू थिकनेस करते हो तो एरिया आता है, और एरिया इनटू थिकनेस करते हो तो वॉल्यूम आता है। तो इसका अंदर का एरिया कितना है, या इसका एरिया कितना है, 4 बाई 3 पाई कैपिटल R³ विद द थिकनेस ऑफ डी। तो अप्रोक्सीमेटली ये तरीका चलता है, प्लीज एग्जैक्ट नहीं आता ये मेथड, अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम निकालता है। एग्जैक्ट वॉल्यूम तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम से ही होगा, पर उसमें कुछ टर्म ज्यादा लंबी आ जाएंगी जैसे कि ऑप्शन मार्क नहीं किया जाएगा, मिलेगा नहीं आपको ऑप्शन। तो इट्स बेटर कि आप अप्रोक्सीमेटली एरिया को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, थिकनेस तो वॉल्यूम आ गया, और ड्रॉप का वॉल्यूम अल्टीमेटली क्या बनेगा, 4 बाई 3 पाई R³। तो ड्रॉप का रेडियस कैन बी कैलकुलेटेड, और इसको आप इसमें कैपिटल आर और 2R में स्मॉल आर की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा आंसर आएगा। ठीक है, ओ सॉरी मैंने गलत लगा दिया, 4 पाई R² आना चाहिए था, फिर गलत हो गया यार ये थोड़ा, 4 पाई करो, सॉरी गलत नहीं, सही है वहाँ, बाकी ठीक है, या ना गलती से 3 लिख दिया, एरिया 4 पाई R² × T करना था, 3 काटो, ये वॉल्यूम है, ये अंदर का वॉल्यूम है, हाँ मैंने एरिया इनटू थिकनेस किया है, तो मेरे को 4 पाई R² लेना चाहिए था, R² किया ना, तो गलती से 3 लिख दिया एक्चुअली, बोल तो एरिया ही रहा हूँ, गलती से वॉल्यूम लिख दिया मैंने, राइट, तो यहाँ 3 नहीं आएगा ना, एरिया 4 पाई R² तो 3 हटा दो प्लीज, तभी यहाँ पर फिर 3 की फॉर्म में आंसर, ठीक ही है वैसे, वो एक्चुअली गलती से 3 लिख दिया यहाँ पे, वॉल्यूम निकालना था अंदर वाले पार्ट की, हाँ पानी तो इसके अंदर है ना ये, हाँ, विद अ कंडीशन स्मॉल डी इज वेरी मच लेस देन कैपिटल आर, बोल देता हूँ, ठीक है ऐसे बोल देता हूँ, ये कह रहा है कि आपने इसमें डी को अलग रखा है तो समझ में आता है, राइट, कैपिटल आर में से स्मॉल डी को माइनस करना पड़ेगा, कैपिटल आर इज वेरी मच ग्रेटर देन स्मॉल डी, तो डी कैपिटल आर के मुकाबले निगलेक्ट होकर आंसर आएगा, हाँ बिना एक्सपेंड किए ये अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आएगा, एक्सपेंशन में चले गए फिर तो हो ही सकता है, फिर तो दिक्कत ही नहीं है, फिर तो बोल ही रहा हूँ यार ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन उससे करके देख लो, उसमें निगलेक्ट करना पड़ेगा कुछ टर्म्स को, तो फिर वहां से आंसर आएगा, इसको 3 को हटा लेना प्लीज, करेक्शन करना, 3 नहीं आएगा यहाँ पे, बाकी सही है, ठीक है यहाँ तक। तो इसमें जैसे इसने कहा कि कैपिटल आर माइनस स्मॉल डी एरिया लेना चाहिए था, बट उसे एक बार कि कैपिटल आर माइनस स्मॉल डी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कैपिटल आर ही रहेगा इसमें, ये क्वेश्चन पढ़ना, मेरे ख्याल से ये ठीक है, 3 लिक्विड वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, सिंपल है, 3 लिक्विड्स हैं, Rho₁, Rho₃ और Rho₂, एंड फिल्ड इन अ ट्यूब एज शोन, देयर डेंसिटीज आर Rho₁, Rho₂, Rho₃, एंड इट मे कंक्लूड दैट इनमें से ऑप्शन मार्क करना है, तो एक लाइन खींच लेते हैं इनकी बाउंड्री से यहाँ तक,
तो वन और टू का प्रेशर एग्जैक्टली सेम है, तो एक प्रेशर यहाँ से निकलेगा पी नॉट प्लस एच रो वन जी और प्लस एच बाई टू इंटू रो थ्री जी। तो यहाँ का प्रेशर आ गया इस पॉइंट का, और इधर से प्रेशर क्या निकलेगा पी नॉट प्लस एच रो जी। तो इन्हें इक्वेट करेंगे, लेफ्ट और राइट को इक्वेट कर दो, और इक्वेट करके आपके पास जो ऑप्शन बनेगी आपको मार्क करनी है। सी ऑप्शन तो बनी रही है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही आ रहा है, और ए ऑप्शन भी सही है, रो टू इज ग्रेटर देन रो वन, जो देखते ही पता लग रहा है क्योंकि ये भारी होगा तभी ये नीचे गया और ये ऊपर गया। ठीक है यहाँ तक, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। तो इसके अंदर बॉटल एज शोन इन अ फिगर हैज टू सिलेंड्रिकल जोन्स, एक ऊपर सिलेंडर है पानी का भरा हुआ और नीचे हनी का भरा हुआ, हनी की डेंसिटी 2 रो ज़्यादा है और पानी की डेंसिटी रो कम है, हाई 2h और h है, लोअर जोन ऑफ द बॉटल ऑफ रेडियस r रूट 2 एंड हाइट h, इसका रेडियस r रूट 2 बना लेना प्लीज, r रूट 2, इसका रेडियस r, और ये फील्ड है वो ये आर रूट टू है, इसका सॉरी दिस आर रूट टू, ये सिलेंडर है आर रूट टू, ये बड़ा और ये छोटा रेडियस। ठीक, सो इस केस में इफ नाउ हनी वाटर आर मिक्स टुगेदर टू फॉर्म होमोजीनियस सॉल्यूशन, मिक्स होने दो एज्यूमिंग वॉल्यूम डू नॉट चेंज, तो आपको बताना है कि इसमें कौन से ऑप्शंस करेक्ट है, मल्टीपल चॉइस है। तो सबसे पहली चीज, एक चीज जो सेम रहेगी वो क्या है, इनका वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन अगर निकालना है फिर तो टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम तो दिख ही रहा है आपको, ऊपर के सिलेंडर का वॉल्यूम और नीचे के सिलेंडर का वॉल्यूम, ऊपर का सिलेंडर 2h हाइट का और नीचे का h हाइट का है, r और 2r, डन। टोटल मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर लोगे यहां तक तो सॉल्व करके एवरेज डेंसिटी आपके पास, मिक्सचर की डेंसिटी कैन बी कैलकुलेटेड, यहां तक ठीक हो गया। प्रेशर बेस के ऊपर क्या होगा, किस किस वजह से प्रेशर है, पानी का प्रेशर है और साथ में हनी का भी प्रेशर है, पानी की हाइट कितनी है, पानी की हाइट इसमें 2h है, हनी की हाइट कितनी है इसमें डायग्राम में h है, डायग्राम चेक करो, पानी की हाइट h है, हनी की 2h है, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर तो बेस पे लगेगा लगेगा ऊपर से, प्लस पानी की वजह से h रो g, पानी की डेंसिटी पानी की हाइट इंटू g, प्लस हनी की डेंसिटी हनी की हाइट इंटू जी, तो ये आपके पास क्या आ गया, प्रेशर एट दी बॉटम आ गया। ठीक,
प्रेशर एट दी बॉटम बिफोर मिक्सिंग, अभी तो वो उनको मिक्स नहीं किया, अगर मैंने उन्हें मिक्स कर दिया तो वो एक लिक्विड बन गया होमोजीनियस, जिसकी हाइट ऑब्वियसली क्या रहेगी 2H+H3H हो जाएगी, पानी पानी मिक्स हो चुका है, और उसकी जो नई डेंसिटी आएगी वो क्या आएगी 3O/2 आएगी। तो अब एटमोस्फेरिक प्रेशर तो होगा ही होगा, HRoG का एक ही फॉर्मूला लगाओ 3H तक, लेकिन डेंसिटी क्या यूज करोगे मिक्सचर की, तो मिक्सचर की डेंसिटी के साथ प्रेशर आ गया। तो प्रेशर आप देख पा रहे हो इसमें और इसमें, देयर इज इंक्रीज इन प्रेशर, इसमें इंक्रीज हो जाएगा, तो हाफ इंटू रो इंटू जी इंटू एच के हिसाब से। नॉर्मल रिएक्शन ऑन द बॉटम फ्रॉम द ग्राउंड इज इक्वल टू द टोटल वेट ऑफ द सिस्टम, जो कि अनऑल्टर्ड है क्योंकि वेट तो वही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं है। तो अपने ऑप्शंस मार्क करो इसमें, तो पहला ऑप्शन इसमें क्या था, प्रेशर इनसाइड द बॉटल एट द बेस विल रिमेन अनऑल्टर्ड, नहीं रहेगा, चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है प्रेशर इनसाइड द बॉटम एट द बेस विल इंक्रीज बाय एन अमाउंट ऑफ हाफ इंटू रो इंटू जी इंटू एच, तो सही बोल रहा है ये, इंक्रीज हो रहा है, तो बी ऑप्शन सही मार्क होगा। सी ऑप्शन है प्रेशर इनसाइड द बॉटल एट अ बेस विल डिक्रीज बाय एन अमाउंट ऑफ, गलत ऑब्वियसली। और लास्ट ऑप्शन नॉर्मल रिएक्शन ऑन द बॉटल फ्रॉम द ग्राउंड विल रिमेन अनऑल्टर्ड बिकॉज वेट विल रिमेन सेम। ठीक, तो पॉइंट समझ में आ गया यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।
ये समझ में आया, क्वेश्चन पढ़ लिया, ये समझ में आया कि एफ एफ और टू एफ के अंदर जो अंदर इंटरनल फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा वो टेंशन टी वन को एफ लिखा मैंने नीचे डायग्राम में और टी टू को टू एफ लिखा, ये समझ में आ रहा है? ठीक लिखा इसने, मतलब मैंने ठीक लिखा, ये खुद मतलब तो खुद ही डिसाइड करना है, ये कोई मैथमेटिकल नहीं है, लॉजिकल है देखते ही। हाँ क्योंकि रेस्ट पे है तो नेट फोर्स क्या है, जीरो है। नेट फोर्स जीरो कैसे आएगी, जब लेफ्ट और राइट की फोर्स बराबर होगी। अब बराबर कैसे होगी, इसमें तो ये शो कर रहा है कि एफ इधर है तो अनइक्वल लग रही है, ऐसे होगा अंदर टेंशन टी वन और इस तरीके से टेंशन है, डिफरेंट टेंशन होंगी इस सेगमेंट और इस सेगमेंट में, एफ के बराबर एफ होगा तभी रेस्ट पे पाया जाएगा ये, और टू एफ के बराबर टू एफ होगा तभी बात बनेगी इसकी। तो अल्टीमेटली टू एफ इधर है, एफ इधर है, तो अंदर नेट फोर्स कितनी है, टू एफ और एफ मिला के एफ इधर, तो ये रिजल्टेंट फोर्स गिवन है बेसिकली एफ, तो अंदर की फोर्सेज टू एफ और एफ लगी हुई है। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो इस केस में क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है इसमें ए और लेंथ इसमें टू एल है, और इस केस में एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस है, और आपको ये बताना है कि आगे ये पोर्शन कौन से करेक्ट है। अब आसान है क्योंकि जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया इसमें कि एक में फोर्स एफ है एक में टू एफ है, फिर तो रहा ही कुछ नहीं है, क्या स्ट्रेस ए बी सेक्शन पे क्या होगा, ये ए बी सेक्शन है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, बी सी सेक्शन में नेट फोर्स कितनी है टू एफ, तो टू एफ डिवाइडेड बाय एरिया। तो नेक्स्ट एक्सपेंशन प्रोड्यूस का फॉर्मूला यंग्स मॉडुलस का हमें मालूम है, तो ए बी पोर्शन में एफ एल एरिया वाई का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि फोर्स इसमें एफ है, और बीसी पोर्शन में फोर्स कितनी है टू एफ है, तो यहां से ये वैल्यूज आ जाएंगी, टोटल एक्सटेंशन क्या होगी इन दोनों का, सम होगा। तो ऑप्शन मार्क करते जाना उसमें क्या क्या इसमें करेक्ट ऑप्शंस बनेंगी, तो इस तरीके से आंसर आएगा। क्लियर है यहां तक? वो पहला डायग्राम भी मेन है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मुझे लगता है ये सिंपल क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन सिंपल मार्क हो जाएंगे। कैसे, सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m इज सस्पेंडेड थ्रू अ स्ट्रिंग इन अ लिक्विड एज शोन, स्ट्रिंग हैज सम टेंशन, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ड्यू टू लिक्विड ऑन द अपर हेमिस्फीयर एंड दैट ऑन द लोअर हेमिस्फीयर्स आर एफ ए एंड एफ बी रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो एफ ए और एफ बी बेसिकली है क्या, फोर्सेस हैं, राइट right. तो ये वही है जैसे हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल का प्रूफ किया था ना, तो एक फोर्स ऊपर एक नीचे और इनका डिफरेंस अपथ्रस्ट कहलाता था, तो एक एफ ए फोर्स है और एक एफ बी फोर्स है। अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो स्ट्रिंग के अंदर कुछ टेंशन है, इसका मतलब स्फीयर भारी है, नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से पक्का ही बढ़ी है, नहीं तो लिक्विड उठा के ऊपर फेंक देगा उसे। नेक्स्ट है एफ बी माइनस एफ ए लेस देन एम जी, वो क्यों, नहीं तो स्फीयर कहाँ चला जाएगा, ऊपर, क्योंकि अगर जो एफ बी की वैल्यू है, एफ बी कौन सी फोर्स है, ऊपर की, एफ ए, तो ऑब्वियसली ऊपर की फोर्स वेट से कम होनी चाहिए तभी उसमें टेंशन आएगी, तो टेंशन क्यों आएगी, मतलब नेट फोर्स कहाँ नहीं चाहिए, नीचे, राइट right? तो ऑप्शन मार्क हो जाएगा ये वाला, ठीक। तो इस केस में ऑब्वियसली इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, अपथ्रस्ट होगा, और अपथ्रस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वीरो जी से ही अपथ्रस्ट निकलता है, नेट फोर्स, ठीक। तो यहां से ऑप्शन मार्क करने हैं आपने। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन के अंदर वाटर आ रहा है इधर से इधर जा रहा है, ठीक, ये रहा पी वन पी टू पी थ्री प्रेशर्स, वी वन वी टू वी थ्री वेलोसिटीज, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो यहां पे एंटर करते ही एरिया ए वन है,
यहाँ वाला एरिया ए टू है और यहाँ वाला ए थ्री है, और मैं देख पा रहा हूँ इसमें ए टू इज ग्रेटर देन ए वन, तो ऑब्वियसली ए टू ग्रेटर देन ए वन, तो वी वन ग्रेटर देन वी टू, वो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। और बर्नौलीज थ्योरम कहती है कि जहाँ की वेलोसिटी ज़्यादा है वहाँ का प्रेशर कम है, तो पी टू ग्रेटर देन पी वन, एक आंसर बर्नौलीज लग गई यहाँ पर। अब मुझे ये भी पता है कि ए थ्री ए टू से बड़ा है और ए टू ए वन से बड़ा है, तो इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी सेज कि वेलोसिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, तो वी वन वी टू और वी थ्री का रिलेशन ऑप्शन वन करना। ठीक है यहाँ तक, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। तो क्वेश्चन है, क्यूबिकल ब्लॉक है ऑफ वुड हैविंग एन एच 10 सेंटीमीटर एंड मास गिवन, फ्लोट्स ऑन अ टैंक ऑफ वाटर विद ऑयल ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 0.5 टू हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर अबव द वाटर, व्हेन ब्लॉक अटेन्स इक्विलिब्रियम विद फोर ऑफ इट्स एजेस वर्टिकल। तो अब बताना है कि इसमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। अब कुछ नहीं है, वो कह रहा है कि क्यूबिकल ब्लॉक है, ये रहा तैर रहा है, बस माइंड में डायग्राम सही बनाना चाहिए। क्यूबिकल ब्लॉक है, नीचे पानी ऊपर ऑयल है, तो आपको इसकी एज गिवन है ए, टोटल डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर गिवन है, और मान लो एक्स सेंटीमीटर ऑयल के अंदर है, तो बाकी कितना हुआ ए माइनस एक्स पानी के अंदर हो गया। तो आर्कमिडीज क्या कहते हैं कि वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर में ए स्क्वायर क्यूब है तो इस एरिया ए स्क्वायर इंटू हाइट की जगह ए माइनस एक्स वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, और ऐसी ऑयल के लिए ऑयल के लिए सेम रूल, तो इज इक्वल टू होल वेट ऑफ दी बॉडी। तो यहाँ से आप एक्स तो निकाल ही सकते हो इसमें एक्स, अब क्योंकि एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो 4 सेंटीमीटर से कम आ रही है और क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर ऑयल की डेप्थ गिवन है, तो यानी कि इसके अंदर ऑयल के अंदर ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। सो ब्लॉक अटेन्स इक्विलिब्रियम विद 1.6 सेंटीमीटर ऑफ इट अबव, तो 1.6 सेंटीमीटर अबव का मतलब क्या हुआ कि अबव एंड 8.4 सेंटीमीटर बिलो द कॉमन सरफेस ऑफ ऑयल एंड, वो तो भी डायमेंशन देख लेना कि कितने के लिए डायमेंशन, टोटल सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, तो 10 में से कितना पोर्शन ऊपर कितना पोर्शन नीचे कैन बी कैलकुलेटेड, तो हो जाएगा सॉल्व। सिंपल आर्कमिडीज के ऊपर क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन प्लीज।
चले अ वुडन सिलेंडर ऑफ डायमीटर 4R, तो सिलेंडर है जिसका डायमीटर कितना है 4R है ये रहा वुडन, एंड हाइट h गिवन है एंड डेंसिटी रो बाय 3 गिवन है, इज केप्ट ऑन अ होल, ये होल है और डायमीटर कितना 2R ऑफ अ टैंक फिल्ड विद द वाटर ऑफ डेंसिटी रो, तो रो डेंसिटी है इसमें, हाइट ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर फ्रॉम द बेस ऑफ द टैंक इज एच, तो कैपिटल एच इसकी हाइट है ये रही, तो एच टू और एच वन भी कुछ इसमें क्वेश्चन के अंदर डायग्राम में गिवन है, व्हेन लेवल ऑफ द लिक्विड इज एट अ हाइट ऑफ एच वन, वो रहा लिक्विड एच वन अबव द सिलेंडर जस्ट स्टार्ट्स मूविंग अप, तो एच वन बताओ मतलब इतना पानी डाल दिया कि अब थ्रस्ट की वजह से जो सिलेंडर है वो ऊपर उठना शुरू हो गया, तो आपको एच वन बताना है इसमें क्या होगा। तो पहला केस है कौन कौन सी फोर्सेज एक्ट करती हैं, पहले इसको देखते हैं। तो अगर आप दो मिनट देखो इस वुडन ब्लॉक के ऊपर, ये जो वुडन ब्लॉक है इसका देखो, तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि इसका यहां पर या यहां पर, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो एक डायमेंशंस ध्यान से देख लेते हैं। मैंने इसमें ना किया हुआ चीज के लिए जरा ध्यान से देख लेना मैं क्या यूज करने वाला हूं इसमें, मैंने इसमें यह किया हुआ है कि जो रेडियस ऑफ होल है वो छोटा आर है, तो एरिया उसका पाई आर स्क्वायर है और एरिया मान लो उसका ए है होल का, वो कैसे, क्योंकि ऊपर अगर आप ध्यान से देखो इसे थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा मुझे ये, देखो इस डायग्राम में इसका रेडियस कितना है 2R है इसका, तो सॉरी इसकी जो विड्थ है वो 2R है, तो एरिया इसका रेडियस क्या आएगा R आएगा, तो इतने पोर्शन का एरिया पाई आर स्क्वायर आएगा, ठीक। ये जो ये देख रहे हो वुडन सिलेंडर जो भी है इसका रेडियस कितना है 2R, डायमीटर 4 है तो रेडियस 2R है, तो इसका एरिया क्या बनेगा पाई इंटू 2R का स्क्वायर सिलेंडर का, लेकिन पाई आर स्क्वायर तो ए है तो ये क्या आएगा 4A, तो जब वुडन की बात आएगी मैं 4A पुट करूंगा, जब होल की बात आएगी तो मैं ए पुट करूंगा, ठीक। अब शुरू करते हैं, अब मुझे ये पता है कि ए एरिया किसका था होल का, होल में के नीचे क्या है एटमोसफेयर, जो होल है उसका एरिया कितना है ए, क्या लग रहा है एटमोसफेयर, तो यहां फोर्स क्या लग रही है प्रेशर इनटू एरिया, ऊपर की तरफ फोर्स क्या लग रही है, ये टर्म समझ में आ गई प्रेशर इनटू एरिया, एक फोर्स समझ में आ गई ऊपर लग रही है, नेक्स्ट वेट प्लैंक का या वुडन का नीचे, ये डन। नेक्स्ट ऊपर की तरफ एक और फोर्स लग रही है क्या, ये देखना ये वाला, यहां पानी है ये ऊपर फोर्स लगाएगा, पर मुझे यहां पर क्या निकालना पड़ेगा प्रेशर, क्या होगा एटमोसफेयर तो होगा होगा प्लस H1 वन प्लस एच रोजी, या इस पॉइंट पे आने पे हाइट क्या चाहिए लिक्विड की H प्लस एच वन ना, तो एटमोसफेयर तो होगा होगा साथ में H1 और H की वजह से भी लिक्विड होगा, तो एटमोसफेयर तो होगा होगा H1 और H की वजह से भी लिक्विड होगा, और कितने एरिया पे होगा पूरे ब्लॉक का एरिया है कितना 4A, 4A में से A एरिया किसका था होल का, बाकी जगह क्या दिख रहा है लिक्विड, तो कितना एरिया बना लिक्विड का 3A, समझ में आया स्टेप, ठीक है यहां तक, ये फोर्सेस समझ में आई 3A 3A, ये टोटल एरिया 4A, ये एरिया A, तो ये और ये मिला के कितना 3A, ठीक बोल रहा हूं, टोटल इस वुडन का एरिया 4A नहीं था, ये किया तो है 4A, नीचे नोट लिखा हुआ है, हाँ 2R को हटा के ये वाला जहां मैं ये वाला, हाँ इस पे लग रही है, इस पूरे का एरिया बोलो ना कितना है A, पूरे का एरिया 4A है ना बेस का, इसमें से ये तो होल आ गया ना, इसमें तो पानी नहीं आया ये वाला, तो वो एरिया माइनस कर दो, तो टोटल 4A में से A गया तो लेफ्ट और राइट मिला के 3A, ठीक है, छत का एरिया 4A, यार मुझे नहीं लेना ये होल दिख रहा है मुझे छत के ऊपर A का, बाकी छत का एरिया 3A, ठीक हो गया, ठीक हो गया यहां तक। अब ऊपर की बात करें, ऊपर एरिया कितना है 4A, अब ऊपर भी तो फोर्स, ऊपर से नीचे की तरफ भी फोर्स लग रही है कितनी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लगेगा लगेगा,
साथ में लिक्विड कितनी हाइट पर है इसमें, H1, तो H1 रो जी और कितने एरिया पे, 4A पे, यहां तक। तो ये सारी फोर्सेस बन गई, अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स को इक्वेट करो, जहां जहां मास यूज हो रहा है वहां वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी आपको बॉडी की रो बाय 3 गिवन है और वॉल्यूम 4A एरिया इनटू एच हाइट, आंसर निकाल लेना। पहला पार्ट है, पैराग्राफ था ये पूरा, नीचे वाला वाला होल 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 के प्रेशर इनटू एरिया। हाँ, वो वेक्टर राइट बन गया तो क्या हो गया, बनेगा तो ऊपर ही, ठीक, समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है, सोचना पड़ेगा घर जाके, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, ध्यान से आराम से बैठ के सोचोगे सीखेगा। इसी का सेकंड पार्ट है, लेट द सिलेंडर बी प्रिवेंटेड फ्रॉम मूविंग अप बाय अप्लाइंग फोर्स, तो ऊपर ना उठ जाए, फोर्स लगा दी, एंड वाटर लेवल इज फर्दर डिक्रीज्ड, पानी का लेवल नीचे गिर दिया, देन द हाइट ऑफ वाटर लेवल H2 फॉर विच सिलेंडर रिमेन्स इन ओरिजिनल पोजिशन विदाउट एप्लीकेशन, अब फोर्स हटा लो, पानी का लेवल नीचे गिर दो ताकि ब्लॉक ऊपर ना उठे। तो अब इस केस में H1 का पानी हटा दिया, मतलब ये H1 कंसिडर नहीं करना, आप अगले पार्ट में हटा दो। तो अब पानी का लेवल गिरा दिया, उस प्लैक से नीचे लेके जाना है बेसिकली, तो H2 तक रख लिया बस, ऊपर हवाई हवा हो गई ऊपर, तब सेम वेक्टर्स फिर से बनेंगे एक बार, ऊपर एरिया 4A है, ऊपर पानी तो बचा नहीं, पानी तो नीचे प्लैक इसके बोर्डन के नीचे नीचे रह गया, तो ये तो समझ में आ गया, वेट समझ में आ गया, होल के नीचे ये भी समझ, सेम, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, यहाँ चेंज हो जाएगा। अब यहाँ जो पानी नीचे का जो पानी है जो होल के, वहां पे तो प्रेशर होगा कितना, एटमोस्फेरिक, प्लस लेवल ऑफ वाटर कितना रह गया, सिर्फ H2, H1 तो हट गया, तो रो जी H2 इनटू एरिया उसका 3A, इक्वेट करो आंसर फिर से। फिर अगला पार्ट है, इन अबव प्रॉब्लम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडिशनल फोर्स रिक्वायर्ड, कह रहा है मुझे फोर्स भी लगानी है, दबा के रखना है इसे, टू होल्ड द ब्लॉक इन द गिवन सिचुएशन इफ द वाटर लेवल जस्ट ग्रेजेस द टॉप सरफेस ऑफ द ब्लॉक, बिल्कुल यहां पर पानी का लेवल है बस, पानी का लेवल यहां होने का मतलब हाइट क्या है उसमें, एच है, चेक करो ऊपर एच है जो भी होगी, फिर फोर्सेस बनाओ, बस इसमें एक्स्ट्रा फोर्स एफ लगा लो, फिर इक्वेट करो ऊपर नीचे को आंसर, ठीक, कोई डाउट इसमें?